तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए जो है सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे चैनल टेक ड्रॉइड हिंदी में। मैं संदीप कुमार संडोला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में जो है विंडोज को कैसे जो है उसका यूआई इंस्टॉल करें या मतलब फुल्ली यूआई कैसे कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में बता दूं कि इस वीडियो को जो पूरे देखते रहिए और मैं बता दूंगा कि पूरे विंडोज को जो है कैसे जो है अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों विंडोज को जो है इंस्टॉल करने के लिए जो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लॉन्चर 8 प्रो, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बता दूं कि ये प्रो वर्जन का एप्लीकेशन है, बट ये जो है प्ले स्टोर में आपको जो है कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा। इसका प्राइस अप्रोक्स 700 या 800 रुपया है। तो ऐसे में जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों विंडोज़ को इंस्टॉल करने के सबसे पहले जो है मैं इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें और इस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ लोगो इसका आपको इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे आस्किंग करेगा, तो इसे कर दें यस। और यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे टिक करके आप इसे डिफॉल्ट लॉन्चर आप बना लें, जैसे कि मैं इसे डिफॉल्ट लॉन्चर मैंने बना लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इसका यूआई कुछ इस तरह से हो गया। और मैं बता दूं कि पूरे स्टेप्स को फॉलो करते रहिएगा, मैं जिस तरह से सेटिंग करता हूं उस तरह से जो है आप भी करते रहिएगा। तो ये विंडोज तो बन चुकी है, बस इसमें कुछ सेटअप करना बाकी है। तो दोस्तों सेटअप को फॉलो करने के लिए जो है आप यहाँ पे स्वाइप करें और यहाँ पे सेटिंग में जाएं। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें रूट की कोई जरूरत नहीं है, ना रूट ना रिकवरी, तो ये जो है आसानी ढंग से आप कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम स्टेटस बार। तो स्टेटस बार को सबसे पहले और इस नोटिफिकेशन एक्टिव को यहाँ पे ऑन कर दें और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाके इसे अलाउ कर दें और ये ओके कर दें यहाँ पे। और फिर ये जो हो गया है परमिशन इनेबल, तो अब बैक जाइए और फिर से यहाँ पे सिस्टम स्टेटस बार जो है लॉन्चर विंडोज़ 8 कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए उसका जो स्टेटस बार था वो चेंज हो चुका है विंडोज़ की तरह। तो अब यहाँ से बैक, अब लॉक स्क्रीन का सेटअप करते हैं। तो लॉक स्क्रीन का सेटअप करने के लिए स्वाइप कीजिए और यहाँ पे स्मार्ट लॉक जो इसे ऑन कर दें और फिर से बैक जाएं और यहाँ पे विंडोज़ 8 का लॉक स्क्रीन जो इसे ऑन कर दें और यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड रिक्वायर करेगा, आप पासवर्ड जो है लगाएँ सेटअप करें। तो यहाँ पर डाउन कीजिए और यहाँ पर लॉक पासवर्ड इस पर क्लिक करें और यहाँ पर इसे ऑन करें और पासवर्ड आप जो भी लगाना चाहते हैं वो सेटअप कर दें यहाँ पे, जो भी आप तो लगाना चाहते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही रख दिया। और यहाँ पे डन कर दें और ये डन करने के बाद अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए विंडोज़ का जो लॉक होता है कुछ इसी तरह से होता है, एकदम फुल्ली ये स्मूथली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी मतलब कि डाउट नहीं है, ये रियल है। ये देखिए एनिमेशन जो फुल्ली तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे अब मैंने जो भी पासवर्ड किया टाइप कर रहा हूँ और अगला सेटअप जो है यहाँ पे अगला सेटअप यहाँ पे नीचे जाएं और आपने अभी स्क्रीन लॉक का सेटअप तो कर दिया, अब यहाँ पे आपको थीम में जाना है और यहाँ पे लॉन्चर एनिमेशन जो है ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे ऑन कीजिएगा तो इसमें जो है काफ़ी जो ये एनिमेशन जो है वो विंडोज़ 10 का हो जाएगा, 10 या 8 दोनों का सेम ही है। तो आपने सेटअप तो कर लिया, अब देख सकते हैं कोई भी क्लिक करते हैं कहीं भी तो ये इस तरह से आपको मिल जाता है देखने के लिए एनिमेशन। देख सकते हैं फुल्ली तरह ये जो वाइप होता है कुछ विंडोज़ की तरह होता है। तो इस तरह से जो है आप जो है एंड्रॉयड में आपका एंड्रॉयड भी है और विंडोज़ भी है, ये दोनों आपका वर्क कर रहा है एक साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि हम अगर जो विंडोज़ रोम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बग्स का सामना करना पड़ता, बट इसमें जो है आपको बस इसमें आपका एंड्रॉयड भी है और विंडोज़ का भी है, तो आप दोनों यूआई एक साथ में मजे ले रहे हैं। तो आगे जो है होम स्क्रीन पे जो है और भी ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड टाइल करें लॉन्ग प्रेस करके किसी भी एनिमेशन में, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करके मूव कर दें जहाँ भी आपको करना है। तो इसी तरह से आप जैसे कस्टमाइज करना चाहते हो वैसे कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस और डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा अपना मॉडल नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तब।